Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. वो पहले जवान बना, फिर वो पुलिस बना, और अब भारत में वो एक नेवल और एक मरीन ऑफिसर बनते हुए दिखाई देगा. Well friends, you know सलमान खान has always played larger than life characters, and when it comes to a man in a uniform, who better than सलमान खान. आज से 3-4 साल पहले भी एक बहुत बड़ा रूमर आया था, और रूमर सही भी था, कि सलमान खान वॉज इन टॉक्स विद AR मुर्गदास टू मेक अ फिल्म ऑन एन आर्मी ऑफिसर. वो टॉपिक सलमान भाई के काफी दिल के करीब था. एंड गाइज, अभी वापस से एस्पेशली ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ भारत और इसके प्रमोशंस में एक और एक फिल्म का यू नो स्टोरी लाइन सामने आया है, जो कि लोग कह रहे हैं कि सलमान खान इज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग. वेल फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं, आप और मैं भी जानते हैं, कि सलमान खान इज नेक डीप इन वर्क टिल 2022. 2220 तक यू नो 2022 तक वो बिजी है वहां पर. यू नो मैं गिनती भूल गया सालों की. 2022 तक ही हैज लाइंड अप फिल्म्स. यस दबंग 3, यस इंशाल्लाह, यस किक 2, यस वेटरन, यस टाइगर 3, यस सूरज बरजातिया फिल्म. ही इज जैम पैक्ड. लेकिन गाइस, कीपिंग द नेशनल सेंटिमेंट इन माइंड एंड कीपिंग द स्पिरिट ऑफ भारत इन माइंड, एक और स्क्रिप्ट है, और अभी सुनने में आया है कि सलमान खान को जो वो फिल्म है जो कि भारत के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसी फिल्में करने में बहुत ही रुचि रहती है. एक बहुत ही बड़े बैनर ने, यस फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही बड़े बैनर ने सलमान खान को अप्रोच किया है फॉर अ बायोपिक, जो कि एक BSF यानी कि जो बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी वाले रहते हैं, उसके जवान के जीवन पे आधारित है, और ये कहानी कश्मीर में स्थित होगी. यहाँ पर सलमान खान एक आर्मी मैन के रोल में दिखाई देंगे. और फ्रेंड्स, इससे पहले हीरोज यू नो जो फिल्म थी उसमें सलमान खान एक सरदार जी आर्मी ऑफिसर बनते हुए दिखाई दिए थे. ये कहानी की बात माने तो ये कहानी एक यू नो बहुत ही ब्रेव और इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक सोल्जर की, जिसने सिंगल हैंडेडली पूरे मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स जो थे उनके कैंप को तस्ते नाबूद कर दिया था 12 से 14 साल पहले. सलमान भाई को ये कहानी का आइडिया पसंद आया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो कि किसी जवान के जीवन पर आधारित है, सच्ची घटना है, वो हमारे बड़े पर्दे पर लाना बहुत ही जरूरी है. उन्होंने अभी यू नो हाँ बोल दिया है फिल्म के लिए. ओके गाइस, तो टेक दिस न्यूज वेरी सीरियसली. ही हैज गिवन अ वर्बल नॉट टू द फिल्म, लेकिन अब उनके जो डेट्स हैं उनको फिगर आउट करना बाकी है. वेल फ्रेंड्स, अब ये कहानी जो है ये BSF जवान की कहानी है, जो कि 2000s की कहानी है, यू नो 2001-2002 की कहानी है, जब उसने किसी अपनी जान की परवाह न करते हुए मुजाहिदीनों से लड़ा था. अब गाइस, अभी रिसेंटली जो पुलवामा अटैक हुआ था, जहाँ पे हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये कहानी है, किस तरह उस समय अटैक हुआ था, जहाँ पर इस आर्मी के जवान ने मिलकर यू नो जितने भी मुजाहिद लोग थे उनसे लड़ा था. वेल फ्रेंड्स, द स्टोरी लुक्स गुड, वेरी अपीलिंग. सलमान खान साइड ऑफ स्टोरी की उन्होंने हाँ कर दी है, ये भी काफी यू नो सच लगती है. लेकिन मेरा भाई, एक जनरल नॉलेज है, एक कॉमन सेंस है, कि सलमान खान वोंट बी डूइंग दिस फिल्म राइट नाउ. एंड ही हैज भारत, ही हैज दबंग 3, ही हैज इंशाल्लाह, ही हैज किक 2 एंड वेटरन. एंड हर एपिसोड में जैसे मैं अंत में कहकर जाता हूँ, वो अपने मर्जी के मालिक है, अगर उनका मन किया तो इंशाल्लाह के बाद वो ये भी फिल्म साइन कर सकते हैं. मेरा काम तो आप लोगों को बताना कि आप लोगों को पता हो कि ऐसी भी कोई कहानी है जो उन तक गई है, और उन्होंने बस जबानी हाँ कहा है. ओके गाइस, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आए हो. क्या आप चाहते हैं सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर किरदार निभाए? क्या आपको ये कहानी अपीलिंग लग रही है, नहीं लग रही, बताइए कमेंट सेक्शन में. एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. सिमियावरन साई साइनिंग ऑफ. यू गोना सी मी वेरी सून. और जितने भी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भारत की एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होगी, आराम से बैठो मेरा भाई, 9 दिन बाकी है. इतना जल्दी एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू नहीं होती. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.